अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करें एक्जिमा और चंबल के बारे में। एक्जिमा के बारे में ये मेरी तीसरी वीडियो, और हर वीडियो में ही किसी भी टॉपिक पे आप एक जर्रे में घुस जाएं तो पूरी कायनात उसमें शुमार है। आप कभी सारी ज़िंदगी भी उसको एक्सप्लोर करना ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक्जिमा की हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है किसी भी बीमारी के कि मैं कोई नई, मैं कोई डिफरेंट बात करूं। तो आज मैं चाइनीज़ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाली हूं। चाइनीज़ मेडिसिन की मैं बहुत शौकीन हूं, उसको पढ़ती भी हूं, और उसके नॉलेज के थ्रू अल्लाह का शुक्र है पेशेंट्स को ट्रीट भी करती हूं, शफा भी होती है उनको। अब मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्जिमा स्किन का डिज़ीज़ नहीं है आपके पास, ये आपके पास ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, आपके पास बॉडी के अंदर का डिज़ीज़ है। आप दुनिया के बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चल जाएँ, स्किन क्रीमें लगा लें, अगर आप गलत खाना पकड़ेंगे एक्जिमा में, इतना रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो खाना इज़ द एक्चुअली अंदर वाला ट्रीटमेंट, जब वो होता है कौन से खाने लेने हैं, कौन से ट्रिगर्स वगैरह नहीं लेने हैं, तो बाहर से आप हील होना शुरू हो जाते हैं, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो फ्लेयर अप्स में आपको इसलिए बार बार हो जाते हैं, और जितनी देर आप वो स्टीरॉयड लगाते रहते हैं इम्यून सिस्टम सप्रेस होती रहती है, क्रीम सप्रेस होती रहती है, वो लगाना छोड़ते हैं फिर ऊपर आ जाता है। और खुशखबरी ये है एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए कि आपको सारी ज़िंदगी वो खाने नहीं छोड़ने पड़ते। मैंने कहा मैं इस सवाल का भी जवाब दे दूँ। एक खास फेज़ होता है रिमिशन का, जिसमें जाने के लिए 3 से 6 महीने या बहुत भी बुरे केसेस हों तो 8-9 महीने या मैक्सिमम साल लग जाता है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो खास फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब चाइनीज़ मेडिसिन में जो नमी है ना, जो डैम्पनेस है, उसको एक बीमारी की कंडीशन समझा जाता है। और एक्जिमा भी आपके पास चाइनीज़ मेडिसिन में उसका मतलब भी यही है कि नमी वाले रैशेज, डैम्प रैशेज। तो जो भी खानों की डैम्प तासीर होगी, जो बॉडी में डैम्पनेस बढ़ाएगी, वो इसको भी बढ़ाएगी, जिसमें आपके पास सबसे पहले, क्योंकि हीट स्ट्रेस में हम गंदम का इलाज करते हैं, गंदम आ जाता है, ठीक है, ग्लूटेन आ जाता है आपके पास, आपने नहीं लेना, आपके पास इसमें एनिमल डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, डैम्प खानों में आपके पास, और क्योंकि पता है डैम्पनेस जब बॉडी में ज़्यादा होती है ना, तो वो फिर चाइनीज़ मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, वो चाइनीज़ मेडिसिन ये कहती है कि वो जिस्म से टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं होने देती, तो और ज़्यादा टॉक्सिन्स का बिल्डअप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, गंदम है, वो इसमें आ जाता है। आपके पास जितनी भी शेलफिश है, खाली शेलफिश, वो सारी आपके पास प्रॉन्स, क्रैब्स वगैरह, लॉबस्टर्स, डैम्प प्रोडक्ट्स में आता है, और कोल्ड फिश भी आपके पास, सुशी भी, वो भी इसमें आता है। लेकिन फैटी फिश इसमें सैलमन वगैरह बेक्ड जो है वो ली जा सकती है, रॉ फिश सुशी नहीं ली जा सकती, और शेलफिश आपके पास नहीं ली जा सकती। और सिर्फ डैम्पनेस का ये कॉम्बिनेशन नहीं है, डैम्पनेस और हीट का एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, जो चीज़ें अंदर गर्मी भी बढ़ाती हैं वो भी। तो आपके पास जो एनिमल डेयरी है वो डैम्पनेस भी बढ़ाती है, और वो चाइनीज़ मेडिसिन से अब हम आयुर्वेदा में आ जाते हैं, वो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम की फायर भी बढ़ाती है। तो ये चीज़ें आपने नहीं लेनी है एज अ नेम इंडिकेट। दूसरी चीज़, हीट और गर्मी आपके पास क्या बढ़ाती है, स्पाइसेस, मसाले, और हम एशियंस, हमारे खानों में मसाले बहुत शामिल होते हैं, और मेजॉरिटी मसालों की जो तासीर है वो गर्म है, इवन के सौंफ की तासीर गर्म है, बाकी जो दालचीनी है, मिर्चें हैं, ये तो अलग की बात है। तो कुछ अर्से के लिए बिल्कुल आप फीके शोरबों पे, फीके खानों पे चले जाएं, जिसमें 3 सब्जियां बिल्कुल भी शामिल ना हो, जो कि आपके पास नाइट शेड्स हैं, जो कि सोजिश करती हैं, 4 सब्जियां जिसमें टमाटर आ जाता है, बैंगन आ जाता है, आलू आ जाता है, और शिमला मिर्च आ जाती है। आपके पास डैम्प फल हैं 3 जो कि आपने नहीं लेने हैं, और वो आ जाता है आम, वो आ जाती है लीची, और वो आ जाता है पाइनएप्पल। हालांकि पाइनएप्पल का जो एंजाइम है ब्रोमेलिन, वो एज अ सप्लीमेंट मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, और पपीते का भी पेपेन एक्जिमा वालों को, लेकिन ये फल नहीं देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो डैम्प होती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जितने भी जंक खाने हैं, फ्राइड खाने हैं, वो सारे के सारे मसालों से भरे हुए हैं, प्रोसेस्ड हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेने, वो इसको प्रॉब्लम करेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या हाई शुगर फूड्स हैं, वो भी आपके पास एक्जिमा को इरिटेट करेंगे। और साथ ही साथ आपके पास जो रेड मीट है, वाइट मीट आप ले सकते हैं, हाँ मैंने बता दिया फिश में आप कौन सा मीट ले सकते हैं, रेड मीट जो बीफ, मटन और लैम्ब है ना, वो आपने नहीं लेना है। तो ये वो, आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। इस एक्सक्लूजन पे आपने सारी ज़िंदगी के लिए नहीं जाना है, कुछ अरसे के लिए जाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अंडे भी नहीं लेने हैं, अंडे भी आपके पास एक्जिमा को बहुत बुरी तरह इरिटेट करते हैं। उसकी मोस्टली रीज़न ये है कि जो अंडे की प्रोटीन होती है, एक्जिमा मोस्टली लीकी गट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो एक दूसरे को रास नहीं आती है। आई सी ऑल अगेन विद गेट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।